हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माई यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु इंसा। गाइज, आज मैं आपको फोर टक्स कैसे लगाते हैं ब्लाउज में उसका तरीका बताऊंगी दोस्तों, बहुत ही आसान से मेथड में। वैसे भी दोस्तों, जैसे जितने भी मैं आपको किसी चीज के तरीके बताती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आते हैं, तो ये भी एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि टक्स हम कैसे लगाते हैं ब्लाउज में। क्योंकि बहुत बार आपके कॉमेंट आते हैं कि ये टक्स कैसे लगाते हैं हम, मैं डिटेल में आपको थोड़ा इजी से मेथड में बताऊं। तो देखिए, जैसे कि हम किसी का भी प्लेट पॉइंट मापते हैं, ये मैंने फ्रंट हिस्सा कट किया हुआ दोस्तों, ताकि लंबी वीडियो ना होए। तो ये फ्रंट हिस्सा है, इसका जो नेक है वो मैंने इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगा के वैसे छोड़ दिया है। मैं कुछ बैक, आप कई बार बोलते हो कि हमारे जो शोल्डर से हैं, शोल्डर गिरते हैं, अगर बड़ा नेक हमारा बैक है तो हमारे शोल्डर गिरते हैं, वो प्रॉब्लम भी दोस्तों मैं बताऊंगी। आपने कहीं भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे चाहे कितना बड़ा भी नेक हो। तो आप सारी वीडियो एकदम कंप्लीट देखिएगा बगैर कहीं से स्किप किए हुए, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा और बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने सबसे पहले 10 इंच पर निशान लगाया ऐसे सीधा। ये मैंने निशान किस तरह से लगाया है, जैसे जिसकी भी प्लेट पॉइंट होती है एक बार हमने उसको माप लेना होता है। तो प्लेट पॉइंट में किसको बोल रही हूँ दोस्तों, जो बस्ट का मेन पॉइंट होता है वहां तक हमने ऊपर से लेकर मापा, और जहां तक हमारा मेन पॉइंट आया वहां मैं प्लेट पॉइंट बोल रही हूँ। जैसे कि इनका 10 इंच पर आया था ऊपर से, तो मैंने 10 इंच पर ही निशान लगाया है। कहीं आपके दिमाग में ये सवाल ना आए कि 1/2 इंच हमारा ऊपर से दबेगा, वो हमने नहीं लेना, तो इसमें मैं नहीं लेती, आप भी मत लेना। इनके जितना हमने मापा है उतने पर ही हमने निशान लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि हमने इतना हिस्सा हम आगे दबाएंगे जो हुक आई की पट्टी है उसके लिए, तो इसको भी हमने एक बार थोड़ा सा छोड़ देना है, इतना सा हिस्सा है इस तरह से, जैसे कि मैंने एक सीधा निशान लगाया तो इतना हिस्सा हमने छोड़ देना है। उसके बाद हमने 3.5 इंच पर ये निशान लगाना है। ये मैं नॉर्मल साइज के लिए बता रही हूँ, जैसे 32, 34, 36 यहाँ तक, तो 30 तक भी आप ये ही निशान लगा सकते हो 3.5। अगर जैसे 38 है, 40 है, इससे एक्स्ट्रा है, तो आप 4.25 या 4 इंच पर ये निशान लगा सकते हो जो मैंने बताया। आप फुल वीडियो बिल्कुल शांत माइंड से देखिएगा, एकदम से समझ आएगी दोस्तों, और स्किप मत कीजिएगा, सभी साइज के लिए मैं बता रही हूँ। तो जैसे कि हमने पहला निशान लगाया 3.5 इंच पर, उसके बाद हमने जो ये निशान है वो लगाना है 1.5 इंच पर नॉर्मल साइज के लिए। दूसरा निशान हमने लगाना है 1.25 या 2 इंच पर, हम लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जो तीसरा 3 यानी कि हमारे निशान लग गए हैं, और जो फोर्थ निशान है वो हमने इन दोनों का सेंटर लगाना है, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यानी कि पहला लिया नॉर्मल, उससे थोड़ा है एक्स्ट्रा लिया ये गैप है जो, और फिर इस दोनों से एक्स्ट्रा लिया हमने ये, यहाँ पर मैंने ये निशान इस तरह से लगा दिया है। तो अब हमने इनको कैसे मिलाना है दोस्तों, ये भी मैं आपको एक बार बता दूं। जैसे कि ये निशान हमने इस प्लेट्स के साथ मिलाना है, जो हमारे सेंटर वाली है इसके साथ हमने ये निशान मिला देना है हमारे टक्स का, इस तरह से एक प्लेट हमारी यहाँ गई, और उसके बाद जो दूसरी हमारी प्लेट्स है वो हमने, जैसे कि हमारा जो एंड होता है इस लाइन का, जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की थी, इस लाइन का जो एंड होता है वहां से 1.5 या 2 इंच नीचे की तरफ हमने ये निशान भी लगा देना है इस तरह से। तो ये हमने निशान लगाया, दो प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने ये सीधा निशान लगाना है, यहाँ से ये सीधा हमने एक बार माप लेना है, जैसे कि 3.5 यहाँ से हुआ था, 3.5 ही हमारा नीचे से हो, ये हमारी प्लेट तिरछी ना हो, ये हमने ध्यान रखना है। उसके बाद हमने जो ये निशान है आगे वाली जो फ्रंट में आएगी हमारी टक्स, इसको लगाना 1/2 इंच नीचे। तो ये हमने ऐसे करके इस तरह से यहाँ तिरछा लेकर जाना है। ये हमारी जो फोर टक्स है ये कम्प्लीट हो गई है। जो फोर टक्स में जो नीचे वाला हिस्सा है दोस्तों, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था 1/2 इंच ऊपर की तरफ दबेगा, तो हमने वो निशान नहीं लिया, जितना ऊपर से मापा था 10 इंच उतना ही लगाया था। तो अब हमने थोड़ा सा बदलाव करना है इसमें, 1/2 इंच हमने नीचे की तरफ ये निशान लगाना है, यानी कि जो हमारी ये टक्स डलेगी वो यहाँ तक ही डलेगी, और ये यहाँ तक डलेगी, और ये यहाँ तक।
उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अच्छा अब मैं एक बात और बता दूं आपको, जैसे कि ये हमने यहाँ से फिर गुम कर देने, ये बिल्कुल सीधी लाइन इसलिए लगाई थी ताकि हमारी प्लेटें हैं जो अच्छे से एकदम से तरीके से डले। कई बार क्या होता है हम ऐसे ही डाल देते हैं तो वो नहीं होता, थोड़ा हा अगर आपको तरीका ही जानना है तो ये एकदम से परफेक्ट तरीका है, आप इस तरह से डाल सकते हो। अब जैसे कि आप सोचो कि ये तो नॉर्मल साइज के लिए हो गई, अगर इससे कम साइज है जैसे कि बस्ट का किसी का 28 है 30 है तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से हमने 1 इंच का गैप लेना है, 1.5 इंच का लेना है, 1.25 का लेना है, यानी कि स्वाई स्वाई हमने बढ़ाते चलना है। अगर ज़्यादा माप है तो यहाँ से हमने 2 लेना है, 2.5 लेना है और 2.25 लेना है, ऐसे ही हमने बढ़ाते चलना है और ऐसे ही हमने घटाते चलना है दोस्तों, और 1/2 इंच हमने नीचे की तरफ ये ले लेना है। तो ये हमारा ऐसे ऐसे करके इस तरह से राउंड बन जाएगा जो कि बहुत अच्छी एकदम से फिटिंग आएगी। कई बार आपका ये भी सवाल होता है दोस्तों कि हमने जो ब्लाउज होता है क्या उसमें फ्रंट हिस्से की छटाई करनी होती है, तो यस हमने ज़रूर करनी होती है। तो ये हमने फ्रंट हिस्से की छटाई की है। एक मैं आपका डाउट क्लियर करती हूँ कि जो बैक नेक हमारा होता है वो ज़्यादा ही डीप है, तो हम ये जो आर्म होल है वो कितना लें और शोल्डर कितना लें, तो हमने आर्म होल इसका 5 तक, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 6.25 तक हम ले सकते हैं। ज़्यादा ही हेल्दी चौड़े जिसके बोलो तो ब्रॉड कंधे हैं तो उसका 6.5 इंच तक हम रख सकते हैं शोल्डर। ये मैंने रखा है यहाँ से 5.5 और यहाँ से जो आर्म होल है वो भी 5.5। जो इसका बैक नेक होएगा वो हमारा होएगा 9.5-10 इंच तक। अगर 9.5-10 इंच तक है हमारा तो हम शोल्डर यहाँ से यहाँ तक इतने रख सकते हैं। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, यहाँ से हम इसकी छटाई कर देंगे। एक और बात, जैसे कि आप ये सोचो कि कितनी प्लेटें हमने कैसे डालनी होती हैं, तो यहाँ से जो हमने ये टक्स पॉइंट लगाया था ये हम नीचे से 2 इंच तक डाल सकते हैं नीचे, यानी कि 1 इंच इधर 1 इंच इधर, अगर थोड़ा सा हेल्दी साइज है तो जिनके 34, 36, 38 तक है तो हम 1 इंच इधर 1 इंच इधर ले सकते हैं, थोड़ा हा कम है तो हम 1/4 इंच इधर 1/4 इंच इधर, यानी कि 1.5 इंच तक रख सकते हैं। तो बस इसकी चौड़ाई इतनी करनी है और जो ये हिस्सा है हमारा इसकी हमने बिल्कुल जैसे कि एक पैर का दबाव देते हुए प्लेटें डालनी होती हैं, यहाँ से भी हमने निशान लगा लेना है। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो हमने ऐसे निशान लगा लेना है और उसके बाद जो सेंटर वाली जो हमारी प्लेट सैन के निशान हमने लगाया था सेंटर में, उसको ऐसे पकड़ते हुए सीधी सिलाई यहाँ तक एकदम ऐसे लगा देनी है। तो यहाँ तक आपको समझ आया। इसके बाद ये भी हमने कुछ ऐसे ही डालनी है इतनी कम, और इसको भी हमने ऐसे ही डालना है। तो ये टक्स वाला हिसाब आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा जो नेक अगर डीप है बैक तो हमारे शोल्डर कंधे गिरते हैं, तो उसका सॉल्यूशन। तो ये देखिए दोस्तों, मैं कुछ एक बात और बताना चाह रही हूँ आपको। आप कहीं सोचो कि हमने 2 यहाँ से ऐसे लिया, ऐसे नहीं, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये निशान लगाना है हमने 3.5 वाला, इनके ज्यादा हेल्दी है तो 4.25 या 4 इंच का, अगर नॉर्मल है तो 3.5 का हमने निशान लगाना है स्टार्टिंग में, उस निशान के बाद ही हमने आगे के निशान शुरू करने हैं। इनके ये निशान पहले लगा के उसके बाद इधर लेना है हमने 1.5 इंच यहाँ से इधर, ना कि यहाँ से इधर, इस निशान से हमने सारे निशान कवर करने हैं, ये बात आप ध्यान रखना। तो चलिए हम बताते हैं शोल्डर गिरने का जो सॉल्यूशन है वो। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बैक हिस्से पर ये नेक था ये बहुत डीप बनाना है, तो इसकी जो मैंने प्लेटें थी वो पहले लगा ली हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए और इसका मैं आपको एक तरीका समझा सकूं। तो देखिए, जैसे कि जब हम इनके बैक नेक हमने इतना डीप कट करना है और जब ये हम प्लेटें डालते हैं, हमारा जो ये हिस्सा है जैसे हम यहाँ से इसको रखकर देखेंगे इस तरह से ऐसे, तो ये जो हमारी बैक प्लेट है ये हमारा जो शोल्डर है इसको इस तरह से धकेलती है साइड में, इसको ऐसे उस साइड में धकेलती है, तो इस हिसाब से हमारा नेक
यहाँ से ज्यादा ओपन होता है, यानी कि ये हमारा नेक ज्यादा ओपन होता है। हमने जो पहले निशान लगाया था ये देखिए, वो हमने लगाया है जैसे कि ढाई पर यहाँ, और ढाई पर ही हमने ये निशान लगाया है। तो जब हम ये प्लेट डाल देते हैं तो हमारा ये जो बैक हिस्सा है ये कितना तिरछा जा रहा है। अगर आप ऐसे ही कट करोगे इस हिसाब से तो ये हमारा जो नेक शोल्डर है ये इसको उस साइड धकेलेगा, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर गिरते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ से हमने जैसे कि बैक हिस्सा जब हम कट करें तो पहले हमने बैक हिस्सा कट कर लेना है। अगर हम बैक के नेक डिप बना रहे हैं तो इसकी हम हल्की सी ऐसे छटाई कर देंगे, जो हमारा आगे का हिस्सा बाहर की तरफ निकल रहा था उसकी हम छटाई कर लेंगे एक बार, और हल्की सी हम छटाई यहाँ से भी करेंगे, क्योंकि जो हमारा शोल्डर है वो नीचे की तरफ इस तरह से आ गया तो ये हमारा सेट नहीं होएगा, ये अपने आप नीचे की तरफ इसको धकेलेगा, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर गिरेंगे ही गिरेंगे। तो यहाँ से भी हम इसकी छटाई कर लेंगे। अब आप सोचो कि बैक ये जो प्लेट है ये तो फ्रंट में भी गिरती है, तो फ्रंट में क्या होता है दोस्तों, जो ये प्लेट तो हमारी मान गए कि गिरती है वो जो बैक हिस्सा है उसकी तरह, लेकिन हमारी साथ में ये प्लेटें भी डलती हैं जो इस हिस्से को बिल्कुल बराबर रखती हैं, यानी कि सीधा रखती हैं एकदम से। ये जब ये प्लेटें भी हमारी डल जाती हैं तो ये इक्वल बैलेंस कर देती हैं और हमारा ये हिस्सा सीधा रहता है। बट जो हमारा ये बैक हिस्सा है इसमें ये प्लेटें नहीं डलती साइड वाली, तो जिसकी वजह से ये प्लेट डलने पर ये हमारा तिरछा ऐसे जाता ही जाता है। तो हमने क्या करना है, ये जो हिस्सा है हमारा इस तरह से एक बार हम रख कर देखेंगे, जितना भी हमारा ऊपर की तरफ निकले, यानी कि यहाँ से हमने ऐसे जचाया नीचे से, और जितना भी हमारा ऊपर से निकले यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कट कर देंगे, और इसका नेक हम इसके अकॉर्डिंग ही कट करेंगे। जैसे कि अब हमारा ढाई यहाँ आया तो नीचे वाले का हमारा 3 इंच आ रहा है, नीचे वाला जो यानी के फ्रंट हिस्सा है हमारा वो यहाँ पर इसका शोल्डर कट हो रहा है, तो उसके हिसाब से ही हमने इस तरह से नेक लेना है। अगर नेक हम यहाँ से लेंगे तो ये हमारी बिल्कुल भी फिनिशिंग से नहीं जचेगा, इस तरह से ऐसे एकदम खड़ी सी शेप में रहेगा, जिससे कि हमारे शोल्डर ये पीछे वाला हिस्सा है वो धकेलेगा, जिससे शोल्डर गिरते हैं। तो यहाँ से हमने ऐसे किया, उसके बाद हमने यहाँ से इसको बिल्कुल एकदम अच्छे से जताते हुए यहाँ से ये प्लेट गिर जाएगी दोस्तों, जिसकी वजह से ये इक्वल में आ जाएगा। यहाँ से भी जब ये प्लेट गिरेगी तो ये ऐसे सेट अपने आप होएगा। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ आ जाए इसके लिए मैंने इसमें प्लेटें डाल दी हैं, टक्स डाल दी हैं ये इस तरह से। एक बार फिर भी दिखा दूं, जो नीचे वाली टक्स है वो मैंने इतनी चौड़ी डाली है नीचे से, और जो साइड वाली है वो बिल्कुल एक पैर का दबाव देते हुए ही मैंने डाली है। यहाँ से देखिए ये इस तरह से कुछ, तो मैं आपको जो बात समझाना चाह रही हूँ वो एक बार अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैंने इसमें टक्स डाली है कि यहाँ से भी हमने इसकी कटिंग करनी होगी। जैसे कि ये हिस्सा हमने यहाँ पर ऐसे रखा, यहाँ से इस तरह से तिरछा किया यहाँ इसको, ये देखिए इसको हम एक बार अच्छे से बिछाएंगे। ये देखना ये हमारा फिर भी ऊपर की तरफ रह गया है, यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली थी, ये हमारा ऊपर की तरफ है, तो इसको भी हमने कट करना होगा। आप अगर ये टक्स नहीं डाल रही थी तो आप कहीं सोच रहे थे कि ये टक्स डालने के बाद ये बराबर हो जाएगा अपने आप, नहीं, ये जो हमारी बैक प्लेट है ये इसको इस साइड रखती है, जिसकी वजह से हमने ये कपड़ा सेट करना होता है। तो यहाँ से भी हम इसको एक बार कट कर लेते हैं, यानी कि जो फ्रंट हिस्सा था हमारा उसका ये हिस्सा हमने एक बार कट कर लेना है। अब ये आर्म होल एकदम से फिट आएगा। अच्छा, अब मैं इसका बैक से भी दिखाती हूँ। जब हमने यहाँ से कट किया तो यहाँ से भी हम जो एक्स्ट्रा हमारा निकला है इसको कट कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, तो यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब आप इसका जो भी बैक नेक बनाओगे, जो भी जितना भी डीप बनाओगे तो आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे। एक और, जैसे कि आपने शोल्डर अगर फ्रंट हिस्सा पहले कट कर रहे हो, अगर फ्रंट हिस्सा पहले कट कर रहे हो तो आप थोड़ा है एक्स्ट्रा शोल्डर रखना। फ्रंट हिस्सा पहले कट कर रहे हो तो जैसे कि आपने 5.5 तैयार रखना है,
तो आप 6 इंच का ले लेना, क्योंकि जब बैक वाला ऐसे तिरछा करके रखोगे तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पर कम रहेगा, उस हिसाब से थोड़ा हा एक्स्ट्रा रख लेना। बाद में जब बैक हिस्से के हिसाब से आप जोड़कर देखोगे तो अपने आप सेट बैठ जाएगा, एक बात तो ये। और दूसरी ये कि आप जब डीप नेक बना रहे हो या कोई भी, तो पहले आप बैक हिस्सा ही कट करना। पहले बैक हिस्सा कट करोगे तो ये आपको हो रहेगी नहीं कमी, अपने आप ही अपने आप जगह पर सेट बैठेगा, जहां तक ये बिछे उस हिसाब से आप कट कर लेना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपका फायदा भी हुआ होगा। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखा तो उसके लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों। एंड ऐसे ही नई नई ट्रिक और इजी से मेथड पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हो तो। अगर जरा सी भी कुछ बात समझ आई है और आपका फायदा हुआ है तो प्लीज चैनल को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।